सिंध में धारनि जी आबादगारी खिलाफ़ कराची प्रेस क्लब अॻियां एहतजाज कयो वियो। सिंध जे राजधानी वारे शहर कराचीअ में सिंध प्रोग्रेसिव कम्युनिटी पारां सिंध में धारनि जी आबादगारी सबबि सिंधियुनि खे अक़लियत में तब्दील करण वारी साज़िश खिलाफ़ कराची प्रेस क्लब अॻियां एहतजाज कयो। उन मौक़े ते डॉक्टर निसार शाह ऐं ॿियनि जो चवणो त धारनि जी आबादगारी करे सिंधियुनि ख़िलाफ़ साज़िश बंदि कई वञे। कुझु धुरियूं कराचीअ में सिर्फ़ु खणी रहियो आहिनि त 3 करोड़ थियणु घुरिजे, जेको ग़लति आहे। असीं उन जी मुखालफ़त कयूं था त इहो यूनिफाइड हुजणु घुरिजे सॼी सिंध में थियणु। ॿियो असांजो इशू आहे त उन्हनि कश्मीरियुनि खे आबादु करण जे लाइ सजावल ठटो जूं 13,000 एकड़ ज़मीनूं ॾिनियूं आहिनि। असां चऊं था त कश्मीरी मज़लूम आहिनि ऐं असीं उन्हनि जी हिमायत कयूं था मज़लूमनि जी, पर उहे सभई सॼो पाकिस्तान लताड़े वरी सिंध जे बि अची छेड़े में ठटे में सजावल में रहनि, इहो ग़लति आहे। कंहिं बि धरतीअ ते ॿी बि आबादगारी कंहिं मनसूबाबंदीअ सां उहा नाजाइज़ ऐं हिकिड़ी बिल्कुलु जुर्म आहे। सोशल, पॉलिटिकल, समाजी, नफ़्सियाती हर तरह जो एॾो आहे, न थियणु खपे। जेकॾहिं फ़लस्तीन में जेको आहे सो यहूदियुनि जी आबादकारी थिए थी, असां ख़िलाफ़। साउथ अफ्रीका में गोरनि जी आबादकारी, असां ख़िलाफ़। ऐं कश्मीर में जेकॾहिं जेको आहे सो आबादकारी थिए थी कंहिंजी बि, त ख़िलाफ़। या कश्मीरियुनि जी किथे ॿिए हंधि आबादकारी थी थिए, असां हुनजी बि ख़िलाफ़ आहियूं। कश्मीरियुनि खे हिते सिंध में ज़मीनूं अलॉट थियूं कयूं वञनि, हूअ चयो थो वञे त कश्मीर पाकिस्तान जी शहर ऐं असां कश्मीरियुनि जे लाइ विढ़ूं था, पर जेके पाकिस्तान में रियासतूं शामिलु आहिनि ज़मीनी हक़ीक़तुनि जे मुताबिक़ मुआहिदे तहत शामिलु आहिनि, उन्हनि खे वरी उन्हनि सां कश्मीरियुनि जहिड़ो सलूक थो कयो वञे। धारी आबादकारी ख़तमु कई वञे ऐं हींअर वरी कश्मीरियुनि जो जेको इशू खड़ो थियो आहे, असीं आबाद कंदासीं। असीं चऊं था ईअं करे हिकिड़ो सिंध जी डेमोग्राफी तब्दील थींदी। एहतजाज में मर्दनि, औरतुनि ऐं ॿारनि हथनि में बैनर खणी सख़्त नारेबाज़ी कई। धारनि जी जलगार आहे जेका उन्हनि जी आबादकारी आहे, असीं उन्हनि जी मुखालफ़त कयूं था ऐं कंहिं बि गैर माण्हूअ खे सिंध जे मथां क़ाबिज़ थियण या उते आबादकारी असांखे कंहिं सूरत में क़बूल न आहे। कैमरामैन कलीम खोखर सां इम्तियाज़ अब्बासी, सन टीवी न्यूज़ कराची।